हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, एंड इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। डेफिनेटली हम ये भी चेक करेंगे कि उनका इमीडिएट मूव क्या होगा, कब तक होगा, एंड हम ये भी देखेंगे कि अगर उनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए हैं तो वो किस तरह के हैं, ठीक है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए है, बट ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। तो ओपनली ओपन माइंड के साथ चेक करें। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के, ब्यूटीफुल से पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए फ्रेंड्स कितना प्यार करते हैं ये इंसान आपको। मैनी टाइम्स आपके मन में डाउट आता है कि क्या ये प्यार करते भी हैं या नहीं, क्या ये इमोशनल भी हैं आपको लेकर या नहीं। तो क्वीन ऑफ कप्स से बेटर इमोशनल एनर्जी आई डोंट थिंक कोई हो सकती है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एट ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना यू नो ऐसी वाइब्रेशन है कि थोड़े टाइम से ना इनका कहीं मन नहीं लग रहा, ठीक है। ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इनका अपने आसपास के लोगों के साथ मन लगना बंद हो चुका है। हमेशा इनके जहन में आप होते हो कि आप कब इन्हें कॉल करोगे, कब इन्हें मैसेज करोगे, कब आप दोनों की बात होगी, कब आप दोनों की मुलाकात होगी। वो एनर्जीज हैं इनकी। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है फ्रेंड्स। हो सकता है आप दोनों ही वाटर साइंस हो, कैंसर पाइसेस या स्कॉर्पियो आप दोनों की एनर्जी हो, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वो टाइम इनकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, और जब ये वापस चले जाते हैं तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप में से कुछ लोग फ्रेंड्स सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ना स्टेटस, सोसाइटी, कल्चर, या फिर अगर मैं बात करूं कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपके पार्टनर्स इस कनेक्शन को मोर एंड मोर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, बट इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सॉर्ट आउट करके ही ये आपके लिए कुछ सॉलिड कर सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर्स फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड टाइप के पर्सन हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं इस टाइम। तो ये आपको लेकर जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं ओवर इमोशनल हो रहे हैं, इतने ओवर इमोशनल हो रहे हैं कि जब ये आपका नाम भी सुनते हैं या आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो इनके आंसू छलक जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें लगता है कि आप पता नहीं दुनिया की भीड़ भाड़ में इन्हें कैसे मिल गए। इन्हें समटाइम अपने लक पर यकीन नहीं हो रहा कि कैसे इन्हें इतना प्यार करने वाला इंसान मिल गया, क्योंकि लाइफ में धोखे तो अक्सर इन्होंने खाए हैं, बट जब आप इनसे इतना प्यार करते हो एंड ये भी आपसे इतना प्यार करते हैं तो इनके आंसू छलक जाते हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचकर। फ्रेंड्स आपके पार्टनर्स ना अब ये इमोशनल जर्नी को रोमांटिक जर्नी में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, या आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक साइकिल को शुरू करना चाहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एरीज लियो सांच की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, एंड ऐसा लग रहा है एनी हाउ ये पर्सन डरते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको रोमांटिकली यू नो अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, आप चुप ना हो जाओ, आप इन्हें
मना ना कर दो तो ये सोच सोचकर आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, देन हमारा आया एस ऑफ वैंड्स। ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हैं एंड ये इस कनेक्शन को डेटिंग जोन में, रोमांटिक साइकिल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। इमीडिएटली इस कनेक्शन में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपके साथ फ्लर्ट, रोमांस, डांस सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों की बातें हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल हो, बट स्टिल रोमांटिक साइकिल को शुरू करने के लिए आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड हैं, बट विद इट ये डर भी रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं यू नो आप रिजेक्ट कर दो, आप मना कर दो, आप बुरा मान जाओ तो ऐसा ना हो कि आप लोगों की फ्रेंडशिप भी खराब हो जाए। तो वो वाइब्रेशंस हैं फ्रेंड्स, या ये इंसान ना आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं। इन्हें फ़र्क पड़ता है कि अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, इन्हें फ़र्क पड़ता है कि अगर आप नाराज़ हैं, तो ये इंसान ना डेफिनेटली उस एनर्जी में है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नंबर्स और डेट्स की बात करूँ तो 1/19/28/10, 3/12/21/30, 8/17/26, 4/22/13/31, 5/14/23, ये नंबर्स, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं, एंड कुछ लोगों के लिए 2/11/29/20 भी। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं। फ्रेंड्स अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाएं चेक करें एंड उस रीडिंग को बुक करवाएं। ठीक है, वो पेड होती हैं बट उसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, तो सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात होगी, रेमेडीज़, एडवाइस और गाइडेंस के साथ। फ्रेंड्स आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन, हाउ क्यूट, उन्हें आप बहुत पसंद हो, बहुत अडोरेबल लगते हो, आई लव यू। तो डेफिनेटली ये कन्फेस करना चाहते हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आप लोग जिस भी सिनारियों में हो, ये पर्सन वन स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप FWB फ्रेंड्स विद बेनिफिट में हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अगर आप फ्रेंड्स हो तो ये पर्सन आपके साथ डेटिंग जोन में आना चाहते हैं। हेवन, हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। आई हैव टोल्ड यू गाइज कि ये पर्सन जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बाय हार्ट इन्हें लगता है कि वो इनकी लाइफ का ना बेस्ट टाइम होता है। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड की जाए, एंड इन्हें लगता है कि यू नो आपको जल्दी से प्रपोज या कन्फेस कर दिया जाए। आउट ऑफ All curves of your body, your smile is my favorite. तो इस पर्सन को परवाह है आपके उदास होने की, नाराज होने की, एंड ये चाहते हैं कि आप हमेशा हंसो, आप हमेशा खुश रहो। अब क्योंकि इनके रोमांटिक थॉट्स आए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि रोमांटिकली इनकी एनर्जीज क्या हैं आपके साइड। ठीक है, क्या फैंटेसीज हैं इनकी? ऑलराइट, अगर आप फैंटेसीज चेक करवाना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, आप क्वेश्चन रीडिंग के थ्रू या सेशन के थ्रू वो चेक करवा सकते हैं कि आपके पर्सन की सेक्सुअल फैंटेसीज, ड्रीम्स या फिर एक्सपेक्टेशन या उनके प्लेजर के पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, क्या उन्हें आप में अच्छा लगता है, क्या उन्हें खुद के साथ अच्छा लगता है, क्या उन्हें अच्छा लगता है कि जब आप उन्हें टच करते हैं, और किस लेवल का अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब हम उसमें डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एनर्जी बहुत ही प्यारी निकल के आई है, और एनर्जी है डेविल की। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यस, ये इंसान इतना ऑब्सेस्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाय हार्ट ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ रोमांटिक जर्नी फास्ट एंड फ्यूरियस वे से शुरू हो जाए। ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। जब भी ये देखते हैं आपको, ये अपने इंटीमेसी के थॉट, सेक्सुअल थॉट रोक ही नहीं पा रहे, बट स्टिल आप बुरा ना मान जाओ, ये सोच सोच कर ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, एंड ये आपके साथ वैसे तो बहुत इमोशनल हैं, बट अगर इनकी इंटीमेसी की वाइब मैं कैच कर रही हूँ वो ऐसी हैं कि जैसे ये वाइल्ड, हॉर्नी एंड सारी रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिट्स भूलकर आपके साथ सब कुछ बिंदास होकर ट्राई करना चाहते हैं।
हमारा नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन ना, यू नो ऑब्वियसली जब आपको प्रपोज करेंगे, आपको कन्फेस करेंगे, तो बहुत ही स्लो एंड स्टीडी वे से रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे। बट इनकी फैंटेसीज तो बहुत डीप और डेंस हैं, बट स्टिल ये पर्सन को यू नो आपके, अगर मैं बात करूँ तो लेग्स को टच करना, लेग्स को देखना, एंड आपके हेयर, आपकी आईज, आपके शोल्डर्स इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही पैम्परिंग वाला, सूदिंग वाला टाइम भी आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस आप बैठे रहो और ये आपको देखते रहें, आपको टच करते रहें और बार बार आपको महसूस करते रहें, वो वाइब्रेशंस इनकी क्लियरली आ रही हैं। अब फ्रेंड्स मैं चेक करती हूँ कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको, ठीक है। यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपकी लाइफ ना मैजिकल बन रही है, तो जो आपने सोचा भी नहीं है ना, वो भी खुशियाँ और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो अब जो भी सोचें अच्छा सोचें, ठीक है। और इमीडिएट मूव अगर आपके पर्सन का मैं चेक करूँ तो इमीडिएट मूव है टू ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़े टाइम तक तो कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, इन्हें ट्राई करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर अगले कुछ घंटों और कुछ दिनों में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन ना निडर होकर आपको सब कुछ बोल देंगे, वो वाइब्रेशंस यहाँ पर क्लियरली आ रही हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।